अन्येत्वेव अजानन्त, वो जो अज्ञानी है मतलब उनके पास ज्ञान भी नहीं है, कर्म योग भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, तपस्या भी नहीं करते हैं, वो कैसे जानते हैं? श्रुत्वान ये भी उपासते, वो किसी शुद्ध भक्त के द्वारा सुनकर फिर भगवान की पूजा करते हैं। वो कैसे क्या करते हैं? श्रुत्वान, वो श्रवण करने की विधि को अपनाते हैं। भक्ति की नवधा भक्ति जो होती है उसमें पहली विधि है श्रवण करना। तो ये बहुत ही सरल है कि श्रवण के द्वारा जो परंपरा से, गुरु परंपरा से हमें आदेश मिलता है कि भाई भगवान को इस दिन भगवान का जन्म हुआ है, इस दिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए, इस दिन भगवान की ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे भोग लगाना चाहिए, ऐसे आरती करनी चाहिए। तो कलयुग के लिए एक सबसे बड़ा साधन यही है कि हम श्रवण करें। जितना जितना हम भगवान के प्रति श्रवण करेंगे उतना उतना हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो ये भगवान कहते हैं कि ते भी चाहती तरंग थे, वो जो सुनते हैं और विश्वास रखते हैं, जैसा शास्त्र ने बताया है, जैसा गुरु ने बताया है, जैसा भगवान का उपदेश है, उसको सुनते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और वो फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं श्रुति परायण। कैसे छूट जाते हैं? सुनने के बाद।